यूनिसेफ और सीएमएसआर फाउंडेशन द्वारा हमर लयका हमर सम्मान समारोह में अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रहे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आईएनएच के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी भी शामिल हुए। राजधानी रायपुर में यूनिसेफ और सीएमएसआर फाउंडेशन द्वारा हमर लयका हमर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत रहे। साथ ही विशेष अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में हरिभूमि आईएनएस के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी शामिल हुए। इस दौरान ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने शामिल लोगों को संबोधित करते हुए यूनिसेफ के कार्यों की सराहना दिल से की और कहा कि कोरोना काल में यूनिसेफ ने स्मार्ट सिटी से मिलकर कार्य किया है, वो बेहतर तारीफ के काबिल है। कोरोना काल के अलावा भी यूनिसेफ ने बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बेहतर कार्य किया है। इस दौरान सरदार गुरुचरण सिंह होरा ने डॉक्टर चरणदास महंत के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी। हरिभूमि के प्रधान संपादक और मीडिया जगत में अपनी एक अलग छाप रखने वाले व्यक्तित्व नमित जैन जी, मेरे छोटे भाई, हमेशा उनसे मेरा स्नेह बना ही रहता है। यूनिसेफ के पदाधिकारी जॉब जाकरिया जी, यूनिसेफ हेड सैन सुधीर बांडी जी, कम्युनिकेशन हेड, इस पूरे आयोजन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वाली शख्सियत दिव्या दुबे जी, जिन्होंने बहुत प्रयास किया इस कार्यक्रम को, मैं चाहूँगा तालियों से एक बार इन सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यूनिसेफ काम कर रहा है, हमारे पूरे प्रदेश के कई पत्रकार मित्र मुझे दिख रहे हैं और उनका जो यहाँ पे इकट्ठा एकत्र किया गया यूनिसेफ ने, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। बीमारियों को दूर करना, कोविड से हम अभी निपट कर बाहर आए 2 साल में, कोविड के दौरान भी यूनिसेफ वालों ने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग हैं यहाँ शख्सियत जिनसे मेरा संपर्क रहा। स्मार्ट सिटी से लेके बहुत जगह यूनिसेफ ने बहुत काम किया, लेकिन बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों का जो संरक्षण और संवर्धन जो उनके द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। इस हेतु मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूँ। हम लोगों से जो भी सहयोग इसमें आपको चाहिए होगा, माननीय चरणदास महंत जी के बारे में एक बार बता जाता हूँ, इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनके पास जो भी व्यक्ति गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, कुछ ना कुछ लेके ही लौटा है। ऐसी शख्सियत, इतने विनम्र, इतने संवेदनशील, और मैंने अपने जीवन काल में बहुत उनके संपर्क में रहा। मैं जब वो गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, तब से उनका स्नेह मुझे प्राप्त होता रहा, लेकिन मैंने एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो निराश होकर उनके द्वार से लौटा हो। और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित, मैं चाहूँगा सब तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम चाहेंगे जो भी उनकी कामना है वो आने वाले समय में उनको उसी रूप में, अतिथि के रूप में देखें, ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी धन्यवाद जय। बहरहाल इस मौके पर सभी अतिथियों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन को सम्मानित किया। इसके बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।